हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम पोषण, इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट को जब चेक करेंगे तो वहां से आपको फिजिक्स का मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, फिर उसके साथ साथ आपको हिस्ट्री का मिल जाएगा। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं आपका, इन सभी चैप्टर्स का आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट के रूप में, तो आप लोग चैनल पर जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन 1 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है और क्या क्या उनका उत्तर होगा। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है, यानी जैव प्रक्रम का परिभाषा आपको लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके बुक में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको लिख सकते हैं। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता वो प्रश्न को आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए और उसको अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं या सेल्फ से लिखते हैं, खुद से लिखते हैं आंसर राइटिंग को, तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा और उसे आपको याद भी रहेगा। आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर याद कीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। आप ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखिए और उसको लिखिए नहीं, तो ये गलत बात है। आप लोग वीडियो देखिए, पॉज कर करके उसको नोट डाउन भी करते चलिए तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें आपसे कहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है। तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों में हर एक कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिका होता है, ठीक है, अलग अलग कोशिका होता है और अलग अलग कोशिका होने के कारण उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ जाती है। इस वजह से विसरण जो है, इससे ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में जाता है, तो इस कारण से इससे हम अपनी आवश्यकता को, ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपके बुक में भी आंसर इसका लिखा हुआ है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि बहुकोशिकीय जीवों की सारी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में सीधे नहीं रह पाती हैं, अतः इन विसरण की क्रिया के द्वारा या साधारण जो क्रिया है इसके द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। इनमें विसरण की साधारण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे, हो पाती है, ठीक है, नहीं हो पाती है, ठीक है, आप समझ पाए क्यों नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा है कि जीवों में पोषण की दो प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। ये आपसे पूछा गया है कि जीवों में पोषण की जो प्रमुख दो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां निम्न है, एक आपका स्वपोषण है, एक आपका परपोषण है। ध्यान रखेंगे एक स्वपोषण है और सेकेंड आपका परपोषण है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे हरे जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी पौधों में स्वपोषण की क्रिया, स्वपोषण पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषण, ठीक है। स्वपोषण के मतलब ये भी होता है कि जो अपना खाना खुद बनाए, वो किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा वो किसी पर निर्भर नहीं होता, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जंतुओं में कहने का मतलब हम मनुष्य भी उसमें शामिल होंगे और जानवर भी शामिल होगा और छोटे कीड़े मकोड़े भी शामिल होंगे, तो इनमें कौन सी विधि पाई जाती है पोषण की। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परपोषण, क्योंकि हम मनुष्य जो है वो पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, जानवर भी किसी दूसरे चीज पर आश्रित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मनुष्य और जीव जंतु साथ में छोटे कीड़े मकोड़े भी वो परपोषण में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखें, यानी जो परपोषण के 3 प्रकार हैं उन तीनों विधियों के नाम लिखना है या तीनों प्रकारों के नाम लिखना है। तो परपोषण के 3 विधियां हैं, एक आपका मृत जीवी है, एक आपका परजीवी है और एक आपका प्राणिसम है। तो ये आपका 3 पोषण है जो परपोषण के हैं। आपको इस
तीनों इन तीनों के बारे में लघु उत्तरीय में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। वहां पे आपको इसके बारे में समझाना भी है, पढ़ाना भी है, तो आप लोग धैर्य रखेंगे थोड़ा सा, वहां पे आपको इन तीनों के बारे में कैटेगराइज करके समझा देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक नाम लिखें या रासायनिक समीकरण लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण लिखना है, तो ये आपका है रासायनिक समीकरण जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश में, इसके सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे अपने बुक में, सॉरी अपने नोटबुक में, यहाँ पे लिख लेंगे सूर्य के प्रकाश, और नीचे लिखेंगे पर्ण हरित या क्लोरोफिल, पर्ण हरित या क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में क्या करता है, ये क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद ये जो है वो ग्लूकोस का, ग्लूकोस ग्लूकोस या इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ये निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है, और उसके बाद सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये प्रक्रिया करता है तो ग्लूकोस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और उत्पाद के रूप में ये क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन गैस जो हम लोगों के लिए उपयोगी होता है, और ये जल का भी निष्कासन करता है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने संतुलित करके लिखा है, अगर आप लोग संतुलित करना चाहते हैं तो यहाँ से ये चीजों को हटा दीजिए जो आपको दिख रहा है, ये चीजों को हटा दीजिए, फिर ये चीज को हटा दीजिए, तो आपका ये असंतुलित हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे संतुलित करके लिखा है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो अभी हमने आपको समझाया था कि यहाँ पे O2 बनता है, ऑक्सीजन बनता है, देखिए उत्तर में हमने लिखा है ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो आप लोगों को अभी हमने समझाया कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, तो ये जो क्लोरोफिल है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और इसी वजह से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होती है। देखिए उत्तर में भी हमने लिखा है यहाँ पे कि हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। हरित लवक में क्या पाए जाते हैं, तो ये आपका क्लोरोफिल जो वर्णक है, या क्लोरोफिल या पर्ण हरित इसको बोलते हैं, तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में पाया जाता है जो हरे पेड़ पौधे या स्वपोषी जीवों में पाए जाते हैं। और ये जो क्लोरोफिल पाया जाएगा किसमें, स्वपोषी पौधों में या हरे पेड़ पौधों में, ठीक है। क्लोरोफिल वो वास्तविक अणु होता है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। आपने समझ लिया होगा यहाँ पे कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो क्यों होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। उत्तर में हमने लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पर्ण हरित या क्लोरोफिल जो ये पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, और ये सूर्य के प्रकाश, तो आप समझ ही पा रहे हैं, ये सूर्य से प्राप्त करते हैं, और बाकी जल ये जड़ के माध्यम से ये अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में संभव होता है, और जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है आपको बता दें वो हरे पेड़ पौधे या जीवित पेड़ पौधे में होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर। 11 में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसका सही जवाब होगा कि जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। इसका राइट आंसर होगा कि कवक एवं जीवाणुओं में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित नहीं होता है,
और साथ ही कवक एवं जीवाणु प्राणिसम पोषण के जीव है, इसके वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 13, तथा कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? इसका सही जवाब होगा कि पोषण की दृष्टि से अमीबा और पैरामीशियम जो है वो आपका प्राणिसम पोषण के जीव है या जंतु है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्राणिसम पोषण लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो देखिए आपके सामने पूरा चीज निकल करके आ रहा है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं कि जो मनुष्य का आहार नाल है वो इन सब पार्टों में बटा होता है, जिनमें मुख्य रूप से मुख्य गुहा होता है, ग्रसनी होता है, ग्रास नली होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, यकृत होता है, और यकृत का नाम एक और है जिसका नाम लीवर हम लोग बोलते हैं, तो यकृत को लीवर भी कहा जाता है। फिर अग्नाशय हो गया, फिर आंत ग्रंथियां हो गया, और लास्ट में आपका बड़ी आंत हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीजों से मिलकर मनुष्य का आहार नाल होता है, जो मनुष्य के मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक वर्ग करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहता है कि ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखिए। तो ग्रसनी में दो स्थित छिद्र कौन कौन से हैं? एक तो आपका निगल द्वार है और एक आपका कंठ द्वार है। निगल द्वार का मतलब जिससे हम लोग भोजन निकलते हैं, निगल जाते हैं, और कंठ द्वार का मतलब जिसके रास्ते से होकर के चला जाता है। तो उसको हम लोग दो पार्ट में देखें, एक तो निगल द्वार और एक कंठ द्वार। अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? देखिए मनुष्य में आहार नाल के जो पार्ट है पाचन के लिए वो आपका मुख है या मुंह है, यानी मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जब जैसे आप चबाते हैं, चबाने के बाद उसे लुगदी बनाते हैं, तो वहां से ही वो पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा है उत्तर इसका मुख गुहा से। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण का मतलब वहां पे भोजन पूर्ण रूप से टूट जाता है, और भोजन टूटने के बाद उसमें अवशिष्ट पदार्थ बचता है जो रेक्टम में चला जाता है, तो वो कौन सा है? ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो वर्णक है वो हरे पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? देखिए अभी हमने आपको ऊपर समझाया था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जो पेड़ पौधे हैं वो क्या निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और उसके साथ अगर उत्पाद के रूप में देखें तो उत्पाद के रूप में वो CO2 यानी ऑक्सीजन को भी निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है? देखिए मृत जीवी को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक बोलते हैं। ठीक है, मृत जीवी को एक और नाम है और उसका नाम है अपघटक। देखिए ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी क्लियर करेगा मेरे दोस्तों, तो आप लोग जरूर से जरूर इसको देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई जीव है और ये कोई परजीवी है, और ये जो परजीवी है वो इससे भोजन प्राप्त कर रहा है, तो हम लोग इस चीज को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग पोषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में जो पोषण होता है आपका वो मृत जीवी पोषण होता है, यहाँ से आप मृत जीवी को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? यानी वो कौन सा अंग है पत्तियों में जिसके माध्यम से CO2 पेड़ पौधों के पत्तियों में इंटर करता है, प्रवेश करता है? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र, या एक और नाम है अस्टोमाटा, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, इसमें आपसे कहा गया है कि पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहते हैं? पोषण की दृष्टि से हम जो जंतु हैं उनको क्या कहते हैं?
जंतु को पोषण के दृष्टि से परपोषी कहते हैं या परपोषण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे परपोषी ही बेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, इसका सही जवाब होगा भोजन संस्थानी में। अग्रहण किसे करता है, तो आप लोगों को पता भी होगा उत्पादों के द्वारा से करता है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, जिसमें कहता है कि मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं। मनुष्य में पाचन के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं, तो विभिन्न अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के जीव के ऊपर जो पाई जाने वाली संरचना है उसको हम लोग स्वाद कलियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा है कि मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है। तो देखिए, मुख गुहा से जो भोजन है वो ग्रास नली में पहले पहुंचता है, उसके बाद धीरे धीरे करके अपना प्रोसेस आगे की ओर बढ़ाते रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं। आप लोग सिर्फ इसको ध्यान दीजिए, सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं इसको, क्रमाकुंचन। अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, जिसमें कहता है कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम प्रवर्तित करता है, यानी जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 31 नंबर में कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं। तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को हम लोग छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, ये सभी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो शरीर का सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसको हम लोग यकृत या लीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपसे पूछा है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, पूर्ण रूप से समाप्त होती है, वो आपका छोटी आंत है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें आपसे कहा है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अव्यवस्थित नली होता है, उस अव्यवस्थित नली को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं सिक्रम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं, जिसमें छोटी आंत एवं बड़ी आंत जोड़ का जोड़ बनाती है और उसे अव्यवस्थित नली निर्माण करती है, तो हम लोग सिक्कम बोलते हैं। आज के आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें आपसे पूछा है कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। तो हमने आपको ऊपर भी बता रखा था, यहाँ भी आपको बताते हैं कि जो अपचा भोजन है वो अस्थायी रूप से रेक्टम में पाया जाता है या रेक्टम में संचित। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे हो गए होंगे और आप लोग इससे कर भी लिए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।